अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप डैट यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर आज हमारे पास 3 है। बी इंग्लिश थर्ड ईयर की जो हम सीरीज कर रहे हैं, वन एक्ट प्ले प्लेस कर रहे थे हम। इसमें जो हमारे पास आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो आज हमारे पास एक लाइट कॉमेडी है, समथिंग टू टॉक अबाउट। Something to talk about, it's a light comedy, mean ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। It is a light comedy that Adam Philpotts has written this beautiful one act play for the to produce comic and comedy and amusement for the people, for the viewers of the time. Let's start with characters as well. There are approximately 7 characters in the play, first of all I would like to introduce the first character, Lord Redchester, who is also the head of the family. And Lord Redchester was an aristocratic one, एंड अरिस्टोक्रेसी की हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। लॉर्ड रेडचेस्टर, ही वॉज अ हस्बैंड ऑफ लेडी रेडचेस्टर एंड ऑल्सो अ एरिस्टोक्रेट। नंबर 2 पे हमारे पास स्टूडेंट्स है लेडी रेडचेस्टर एंड शी हैज़ ऑल्सो हर निक नेम एंड दैट इज सूफी, शी इज़ वाइफ ऑफ लॉर्ड रेडचेस्टर। नंबर 3 पे इनका एक बेटा और एक बेटी हैं जी, गे सिडनी, ही इज़ अ सन, ही इज़ अ यंग सन एंड द लेटेस्ट सिडनी मीन डॉटर है इनकी जी, बिशप है, बिशप इज़ अ प्रीस्ट एंड वी ऑल नो डैट प्रीस्ट आर ऑलवेज क्लेवर एंड स्मार्ट मैन एंड ही वॉज ऑल्सो अ ब्रदर ऑफ लॉर्ड रेडचेस्टर एंड हाउ ब्यूटिफुली एंड हाउ यू नो क्लेवरली ही यू नो चीट्स बर्गलर वुल्फ, वन ऑफ द नोटोरियस बर्गलर इन इंग्लैंड, उनके घर में चोरी करने आता है, लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं। बटलर जो प्रेस्टन जिसका नाम है, इनका कुक है, फेथफुल सर्वेंट है, हमेशा वहाँ पे रहता है। इसके बाद जी हमारे पास है जी द वुल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द प्ले, ही इज़ अ फेमस बर्गलर ऑफ इंग्लैंड एंड ही इज़ अ नोटोरियस पर्सन। तो ये तो जी जो करेक्टराइजेशन थी हमारे पास, आज के करेक्टर्स थे जी। आज अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या हैं और किस तरह स्टोरी जो है वो मूव करती है। सबसे पहले जी, सिडनीज़ फैमिली इज़ पासिंग अ वेरी डल एंड बोरिंग लाइफ, वही अमीर कबीराना वाली ज़िंदगी, सुबह खा लिया पी लिया, नौकरों को हुक्म दे लिया, अपनी जो है वो ज़मीनों पर चले गए, इस तरह डिफरेंट। अब इनकी ज़िंदगी में कोई जो है ना वो एंटरटेनमेंट एक्साइटमेंट नहीं आ रही। अब देखते हैं वुल्फ इनके घर में आता है तो किस तरह ये जो वो इनके अंदर एक्साइटमेंट आती है। नंबर 2 पे जो पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स आज का, अ फेमस बर्गलर वुल्फ इंटर्स ट्यूडर मैनर टू कमिट अ रॉबरी, बड़े वो अंदाज से जो है इनके घर में आता है चोरी करने। नंबर 3 पे हमारे पास जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, Instead of getting scared, the whole family starts enjoying the company of wolf. सबसे पहले जो है गेस, जो ये बच्चा है गेस इतनी और लेटिस, ये चुप करके आते हैं तो वो अपने जो लेस होता है असले से और अपने सारे टूल्स, ही हैज सो मैनी टूल्स ऑफ स्टीलिंग समथिंग, तो वो टूल्स के साथ जो है वो ओपन करना कर रहा होता है, वो उसको जो उनके घर वो लॉक होता है, तो ये उसको फॉर अम्यूजमेंट उसको पासवर्ड बताते हैं। सूफी जो पासवर्ड होता है वो इनके उसका जो लॉक होता है उसका पासवर्ड होता है, तो देखते हैं जी किस तरह ये बताते हैं। इसके बाद जी व्हेन द फैमिली फील्स डैट, अब आहिस्ता आहिस्ता करके पहले तो सारी फैमिली को गेस इंदी इकट्ठा कर लेता है, आए जी आपको दिखाएं बर्गलर हमारे घर में आया, वो क्या कर रहा है, तो वो कहते हैं जी ओ बर्गलर इन आवर हाउस, बर्गलर इन आवर हाउस, तो वुल्फ इज इन आवर हाउस एंड दे फेल्ट यू नो मच अम्यूजमेंट एंड इट इज़ वेरी कॉमिक सीन एट द टाइम। फील्स डैट वुल्फ इज़ नॉट सक्सेसफुल इन ओपनिंग द सेफ, दे प्रोवाइड हिम द पासवर्ड, वो कहते हैं ठीक है बर्गलर तुमसे ओपन नहीं होगा, हम तुम्हें एक पासवर्ड देते हैं, सूफी इसका पासवर्ड है और इस पासवर्ड से तुम ये जो सेफ है अलमारी है इसको खोलो और हमारे इसके अंदर जो क्रिसमस
के जो गिफ्ट हैं, सुबह चूँकि 25 दिसंबर होता है, क्रिसमस गिफ्ट्स पड़े होते हैं, तो उसको जो है वो तुम जो है वो निकालो, हम देखें कि हमारे पास क्या है। ये स्टूडेंट्स मैं बाकी रेस करके आपको अभी जो है वो दिखा दूँ। ये स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 है जी, जो हमारे पास वुल्फ टेक्स आउट द प्रीशियस गिफ्ट, वो चाहता था कि इनके जितने भी गिफ्ट्स हैं जो इन्होंने क्रिसमस पे सुबह यूज़ करने हैं, तो ऑब्वियसली सिडनीज फैमिली इज़ अ रिच फैमिली, तो इनके जितने भी गिफ्ट्स हैं वो सारे मैं ले जाऊं साथ। उसमें क्या क्या था जी, जब उन्होंने सेफ अलमारी खोली तो जो उनके पेरेंट्स थे लॉर्ड रेडचेस्टर, लेडी रेडचेस्टर, उन्होंने वो छुपा कर रखे थे ताकि इनको सरप्राइज गिफ्ट देने थे। अब सबके सामने वो ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर देखा कि इन्होंने क्या है, इसके अंदर डायमंड टायरा जो क्राउन होता है फॉर लेटिस, कि वो यहाँ पे पहनेगी डायमंड का है वो, चूँकि वो बहुत ज़्यादा रिच थे, वेल ऑफ थे। और डायमंड स्टडेड था, सिगरेट केस था विद अ चेक फॉर गे सिदनी के लिए था, और डायमंड स्टडेड क्रॉसियर फॉर बिशप के लिए, वो क्रॉसियर जो होता है वो था, चूँकि वो बिशप था, प्रीस था। नेकलेस फॉर लेडी रेडचेस्टर, डायमंड का नेकलेस था लेडी रेडचेस्टर के लिए। अब ये सब जितने भी घर के लोग थे, अफराद थे, ये फैमिली के लोग चाहते थे हमारे जो गिफ्ट्स हैं वो किसी तरह बच जाएं, और हमारी जो क्रिसमस मॉर्निंग है, हमारी जो ईद है, वो जो है वो ख़राब ना हो एक बर्गलर की वजह से। वो क्या करना चाहते थे फिर जी, दे वांट टू सेव द गिफ्ट्स, सो दे यूज़ डिफरेंट मेथड टू सेव द गिफ्ट्स फ्रॉम वुल्फ। उन्होंने जो एक मेथड अपनाया, उनका जी एक वेलाबाई फैमिली है हमारे साथ वाले घर में, तो कल शाम जो इवनिंग नाइट होगी क्रिसमस की 25th ऑफ दिसंबर की, वहाँ हम 8 बजे वहाँ पे उनके घर में इनवाइटेड हैं जी डिनर के लिए। तो क्या होगा, हमारे घर के अंदर से ना एक छोटी सी सुरंग और रास्ता जाता है जो उनके घर में खुलता है, तो तुम चुपके से हमारे घर आ जाना, हम उनके घर होंगे तो तुम वहाँ पे आकर डकैती करना। उनका तो वो हमसे इतने ज़्यादा रिच हैं कि वो जिस टेबल पर खाना खाते हैं वो टेबल भी जो है वो डायमंड का है और सोने का है, और जिस के प्लेट्स में और जो हम स्पून यूज़ करते हैं, फॉक यूज़ करते हैं, वो भी उनके जो है वो गोल्ड के हैं, तो उसको इस तरह झांसा देते हैं। और स्पेशली ये जो झांसा होता है प्रीस देता है, बिशप देता है, चूँकि ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर मैन, तो उसको जो है वो डिसीव करने में कामयाब हो जाता है। देखते हैं नंबर 7 पर पॉइंट, अटेंड बिशप यूजेस हिज ब्रेन, चूँकि वो एक प्रीस्ट होता है, ब्रेन वाला आदमी होता है, अक्लमंद होता है, एंड ही इज सक्सेसफुल इन सेविंग द गिफ्ट, वो सक्सेसफुल हो जाता है गिफ्ट बचाने के लिए, और वो वेलाबाई वाली जो उनकी टेक्निक होती काम कर जाती है। नंबर 8 पे जो लास्ट पॉइंट है जी स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हेन वुल्फ गोज अवे, जब वो चला जाता है, द होल फैमिली लव्स, तमाम हंसने लग जाते हैं और कहते हैं सेज समथिंग टू टॉक अबाउट, ये हुई ना बात। लें स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था, जो हमारे पास 1 एक प्ले था, प्ले नंबर 3 समथिंग टू टॉक अबाउट, उसका आज इख्तिताम होता है, तो इसके बाद इंशाल्लाह जो लास्ट हमारा प्ले है स्मोक स्क्रीन वो करेंगे, शॉर्ट स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है, प्लेज इंशाल्लाह कंप्लीट होने जा रहे हैं, फिर इसके बाद हम पोइट्री की तरफ मूव करेंगे, फिर पोइट्री हम पढ़ेंगे भी और उसको अच्छे तरीके से डिस्कस भी करेंगे। लें स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू वेरी मच।